जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय रेलवे में रोशन शब्द का मतलब क्या होता है। भारतीय रेलवे में कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम लोग परिचित नहीं है। इन्हीं में से एक वर्ड होता है रोशन, लेकिन कई लोगों को इनके बारे में नहीं पता होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोंकण रेलवे के द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी कोच वैगन और रनिंग के कैरेक्टरिस्टिक को निगरानी के लिए बनाया गया है। मतलब कि कोच वैगन और लोकोमोटिव इंजन कितने किलोमीटर चला, उसके बाद उसके मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है, तो उस मेंटेनेंस को ही हम लोग बोलते हैं रोशन। तो दूसरे एग्जांपल से चलते हैं, जैसे कि अगर हम लोग पास टू व्हीलर है और उसमें पेट्रोल दे के चलाते हैं, तो सिर्फ चलाने से मतलब नहीं होता है, जबकि उसके लिए क्या करना पड़ता है, हम लोग को बार टाइम टू टाइम हमेशा सर्विसिंग कराना पड़ता है। उस सर्विसिंग को ही, मतलब जो एक्सचेंज होता है या रिपेयर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रोशन। जबकि ये आम भाषा में नहीं, ये सिर्फ रेलवे में ही यूज किया जाता है रोशन शब्द का। तो भारतीय रेलवे में रोशन शब्द को बहुत जरूरी होता है ताकि हमेशा मेंटेनेंस बने रहे, जिस हर लोकोमोटिव का मेंटेनेंस बने रहे, ताकि कोई कहीं दुर्घटनाग्रस्त ना हो। इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा रोशन शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो कि रोशन शब्द का मतलब होता है कि उसको रिपेयर और उसको एक्सचेंज करते रहना, उसी का रोशन नाम दिया गया है। दोस्तों, रोशन टेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य समय रहते भर में उसके पहिए और एक्सल वगैरह को, उसके ऑल इक्विपमेंट को समय रहते हुए उसको रिपेयर करना, उसी को रोशन बोला जाता है। तो भारतीय रेलवे में रोशन जरूरी होता है। दोस्तों, कोंकण रेलवे द्वारा विकसित की गई यह टेक्नोलॉजी भारत रेलवे के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि समय रहते भर में इसका रिपेयर हो जाता है। दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो भारतीय रेलवे के लिए जो है कोच और वैगन को देखभाल के लिए बहुत ही आवश्यक होता है।